आपका फिर एक बार स्वागत है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो प्रेशर गेज है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो ये गेज आपने बहुत जगहों पे देखा होगा, जैसे किसी हॉस्पिटल में जो वेंटिलेटर का टंकी रहता है बड़ा वाला उसके ऊपर होगा, या फिर जो अपन हर रोज़ गाड़ी में पहिए में जो हवा भरते हैं, वो जो हवा कम होने के बाद जो हवा चेक करते बोलते हैं एक तो इतना प्रेशर लगाओ, एक बार लगाओ 1.25, वो सब इसके ऊपर रहता है। मतलब ये जो गेज है उसके ऊपर मापते हैं, उसको चेक करते हैं। और जो पाइप पानी का पाइपलाइन रहता है उसका भी जो मतलब चेक करते हैं, प्रेशर चेक करते हैं, वो उसके ऊपर है। मतलब इससे हमें समझ में आता है कि जो हमको चाहिए उतना प्रेशर मोटर दे रही है, पंप दे रहा है, या वो उस टंकी में है कि नहीं, उसके बारे में हमें पता चलता है। ओके, तो मैं अभी आपको ये काम कैसे करता है ये बताता हूँ, और इसके अंदर क्या क्या मतलब क्या कैसा सिस्टम रहता है, क्या ये रहते चीज़ें रहती है, वो आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। तो देखते हैं आप खोल के इसमें क्या क्या रहता है। ओके ठीक है दोस्तों, ये मैंने अभी खोल के लिया है। ये चार जो नट थे स्क्रू थे ये वाले, तो इनको मैंने खोल दिया है। और अभी ये जो डायल आया है आपके सामने, वो डायल खुला कर दिया है मैंने पूरा। ओके, तो ये जो कि अपने ऊपर का ग्लास रहता है, खाली ग्लास है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, वो खाली उसमें जो डस्ट वगैरह न जाने के लिए, इसलिए वो सेफ्टी के लिए रहता है और दिखने के लिए भी। और इसके बाद ये रहता है, ये पत्थर के ऊपर ये प्रिंट रहता है, कलर प्रिंट रहता है। उसके ऊपर ये जो 10-20-30 रहता है वो सब किलो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है। और जो नीचे वाला रहता है 1, 2, 3, 4, 5 वो LP पर इंच स्क्वायर रहता है। मतलब जो ये जो नीचे वाला है LV इंटू इंच स्क्वायर, वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड है। और जो केजी पर सेंटीमीटर मतलब CM स्क्वायर है, वो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से रहते हैं। ओके, तो ये ऐसा सिस्टम रहता है। ये अपना जो ये सब रहता है सिस्टम, ये पूरा बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम करता है। मतलब आपके लिए इसके कुछ इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलती लगती, तो ये खाली आप जब आप मोटर के लगाओगे या फिर किसी टायर के पंचर जो गाड़ी का टायर रहेगा उसके जो वाल को लगाएंगे तो वो अपने आप ऑपरेट होता है। इसके लिए कुछ मतलब इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती। तो ये देखो इसके अंदर क्या सिस्टम रहता है। इसमें ये ट्यूब रहता है, ये इधर से अंदर जो हवा या फिर पानी जाएगा तो इसमें जो प्रेशर से इसके अंदर जाता है। तो ये जो ट्यूब है वो आगे पीछे होती है, मतलब ऐसी फैलती है, इसको बोलते हैं बर्डन ट्यूब। इसको बर्डन क्यों बोलते हैं, जैसे आदमी के ऊपर अपन बोलते हैं ना मेरे ऊपर बहुत बर्डन है, वैसा इसके ऊपर बर्डन, बर्डन मतलब तान आना, टेंशन आना, उसकी तरह से जैसे उसका टेंशन आता है तो ये आगे पीछे होती है। ये जो आप ट्यूब दे दीजिए वो फैल जाती है, आगे फैल जाती है या फिर पीछे फैल जाती है। ओके, तो उसके उसको लगाने के लिए मतलब वो चेक करने के लिए ये लीवर है। ओके, ये लीवर इधर कनेक्ट हुआ है नीचे, देखो आप इसमें। और ये जो लीवर प्योट करने के बाद जो ये गियर है, तो ये गियर उसके आगे और एक गियर है छोटा, आपको दिखाता हूँ एक मिनट, ये अभी ठीक से नहीं दिखा रहा है। हाँ अभी दिखा रहा है, ये देखो ये गियर है, ये गियर मतलब जब ये आगे पीछे हो जाएगा, ये देखो ये आगे गया तो ये आगे पीछे हो रहा है। ओके, ऐसा सिस्टम है। और उसको वापस अपनी जगह पे लाने के लिए ये स्प्रिंग रहता है, मतलब अगर काटा आगे जाएगा तो वापस पीछे आने के लिए वो स्प्रिंग का प्रेशर, जैसे घड़ी के लिए स्प्रिंग रहता है सेम उसी तरह इसको भी स्प्रिंग रहता है, मतलब वो वापस जीरो को लाने के लिए ये स्प्रिंग का काम आता है। ओके, अगर जैसा ये ट्यूब को प्रेशर आएगा ये ऐसा बाहर की तरफ फैल जाएगा, ये जो रहता है ट्यूब ये ऐसा बाहर की तरफ फैल जाएगा। तब जब सब बाहर की तरफ फैलगा तो ये ऐसा ऊपर आ जाएगा, और जैसा ये गियर है ये अंदर की तरफ चला जाएगा। जब अंदर के चले ऐसा फिरेगा तो ये जो काटा है वो भी डिफ्लेक्ट होएगा, तो उसके हिसाब से वो प्रेशर मेजर किया जाता है। ओके, ऐसा ये सिस्टम वर्क करता है। और ये हम 10-20 बार मतलब ये अभी जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा, प्रेशर होगा, उसके हिसाब से ये गेज का साइज़ भी बड़ा रहता है। और उसके हिसाब से ये जो ट्यूब रहता है उसका मटेरियल भी अलग अलग रहता है। अभी ये कम मतलब
कम फ्लेक्सिबल एक्सपांड होने वाला मटेरियल है क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत कम है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 107 bar तक या मतलब 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर इस पर एक्ट होगा। ये फिर 1000 kg पर सेंटीमीटर कर 3000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसके हिसाब से बढ़ता जाता है। ओके, तो मैं आपको इसको जो ऑपरेट कैसा होता है ये आपको फंक्शन बता दिया है। अभी उसको रियल में कैसा देता है वो इंस्टॉल करने के बाद आपको दिखाता हूँ। ओके ठीक है, ये देखो इधर से जो हवा मतलब पानी अंदर जाएगा, अगर पानी के पंप को होगा तो, या फिर हवा अंदर जाएगी और इसको ऐसा अंदर बाहर रिफ्लेक्ट करेगी, उसके हिसाब से ये गियर आगे पीछे मूव होगा, आगे पीछे मूव होगा, ये देखो। ओके, ऐसा सिस्टम है, मुझे लगता है आपको ये समझ में आएगा होगा काम कैसे करता है। ओके ठीक है, तो अब इसको इंस्टॉल करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो आपको दिखा था प्रेशर गेज, ये प्रेशर गेज है, ये जो पाइप है ये इधर से पानी अंदर आएगा, ये जो पंप है इसके अंदर जाएगा, फिर ये रोटेट होगा और ये जो वॉल है इससे बाहर फेंकेगा। ओके, तभी ये मोटर चालू है हमारी, ये देखो आपको दिख रही होगी, घूम रही होगी, ये मोटर चालू है। तो अगर चालू भी है मगर पानी पकड़ा नहीं है, मतलब प्रेशर नहीं चालू, इसके वजह से ये जो काटा है वो हिल नहीं रहा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि पानी पकड़ता है, मतलब अभी इसमें कुछ पानी भेज नहीं रहा, इसके वजह से ये ज़ीरो दिखा रहा है आपको। अभी मैं दिखाता हूँ जो पानी पकड़ने बार कैसा वो रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट कितने बार तक जाता है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ओके, अभी ये जो मोटर ने पानी पकड़ा है तो इसके बाद अभी ये जो प्रेशर दिख रहा है वो अभी बढ़ गया है। ओके, जैसे जैसे मैं अभी वॉल्व खोलूँगा वैसा वैसा वो प्रेशर कम होता जाएगा, क्योंकि अभी जो आउटलेट का वॉल्व है वो बंद था, तो जैसे मैं चालू खोलूँगा वैसे तो प्रेशर थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा और एक जगह पर जाके फिक्स हो जाएगा। ओके, ये देखो अभी ये पूरा वॉल्व खोल हो गया, ये मैंने पूरा वॉल्व खोल दिया, अभी ये प्रेशर फिक्स होगा। अभी ये प्रेशर ऊपर में जाएगा तो नीचे जाएगा, मतलब अगर हमारा जो पानी कम या ज़्यादा नहीं होगा, मतलब जो कम में टंकी में, तो ये एक जैसा ही होगा, ये थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, ये जो आपको दिख रहा है इधर नीचे, ये इसके अंदर से ये जो पानी ऊपर जाता है तो उसमें जो ट्यूब रहती है जो ऐसी वाली, तो उसको वो रिफ्लेक्ट करता है। मैं एक बात दिखाता हूँ आपको, तो मैंने ये भी लाया आपके सामने, ये दोनों अपना है, ये इधर नीचे से यह पानी अंदर जाएगा, उसके बाद ये जो ट्यूब है उसमें वो प्रेशर बढ़ा के ये जो प्योट है इसको आगे पीछे करेगा और ये अपना काटा है वो रिफ्लेक्ट होता है। इसी तरह भी ये सिस्टम होता है। अभी इसके ये जो बर्डन ट्यूब है इसके ऊपर प्रेशर आ गया है, तो इसकी वजह से ये फिक्स हो गया है, या अभी जैसा प्रेशर कम ज़्यादा होगा वैसा वो डिफ्लेक्ट करेगा, उसी तरह ये भी अपना काम करता है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, तो बात ये है दोस्तों कि अगली वीडियो में आपको ये जो फैन का रेगुलेटर है ये काम कैसे करता है, वो उसके अंदर ये जो सिस्टम क्या रहता है उसके बारे में जानकारी दूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप कुछ किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में उसको उस चीज़ के बारे में बताइए, मैं आपके लिए उस चीज़ की जानकारी लगाऊंगा, उसका डेमो लगाऊंगा, दिखाऊंगा आपको वीडियो बना के। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शुक्रिया, थैंक यू।